हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिविटी फॉर यू। आज हम 20-30 का कोलाज डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने एक ब्लैंक पेज ओपन कर लिया है। इसका साइज हम कुछ इस तरह से देंगे, 20-30 और रेजोल्यूशन 200। ओके कर दिया। यहाँ से यू प्रेस करेंगे और यहाँ से भी हम देखिए जा सकते हैं। ये कस्टम शेप्स पर हम क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से हम यू प्रेस करेंगे और यहाँ से कोई भी हम एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया है। जिस डिज़ाइन को हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारे यहाँ पर शो होगा इस तरह से। ओके, यहाँ से हम इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे। कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से हमारी सर्किल चलने लगेगा। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हम एंड प्रेस करेंगे, ऑल के साथ हम डिलीट प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमारी फ्रेम क्रिएट हो गए हैं। इसको हम कंट्रोल व्यू करके ब्लैक कर लेते हैं। अब हम इसको सेट करेंगे। आज हम अपने कोलाज में 8 पिक सेट करेंगे। चलिए फ्रेंड, तो पहले हम अपने बैकग्राउंड में कोई एक कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर है, हमने इसको फिल कर लिया है। ऑल्ट के साथ हम डिलीट प्रेस करेंगे, अदरवाइज हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, जी टूल प्रेस करेंगे और यहाँ से भी हम जा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इस वाले टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखिए, ये वाला कलर इसमें फिल हो गया है। कंट्रोल यू करके हम इसको लाइट या डार्क कर सकते हैं। अब हम अपने फ्रेम में स्ट्रोक लगाते हैं। लेयर में जाएंगे, देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैं बताती हूँ। लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल में जाएंगे और ये स्ट्रोक पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई भी एक कलर इसमें देंगे। मैंने वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ हम जितना चाहें दे सकते हैं। मैंने 8% दिया है। ओके कर देते हैं। यहाँ से हम एक और लेयर इसकी बनाते हैं। यहाँ से ही बना सकते हैं, कंट्रोल जे कर देंगे फिर भी हमारी दूसरी लेयर क्रिएट हो जाएगी। कंट्रोल टी करेंगे हम इसको। इसको हमने बैक साइड में कर लिया है। कंट्रोल यू करके हम इसको वाइट करेंगे और हम इसको भी सेट करेंगे। यहाँ से जाके हम ओवरले करेंगे इसको। ये हमारा कलर कुछ इस तरह से हो गया है। यहाँ से थोड़ी सी ओपेसिटी हम इसकी कम करेंगे। ये कुछ ज्यादा ही हो गई, इतनी ठीक है। इसको और इसको हम लॉक कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ हम ई प्रेस करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और मर्ज लेयर कर देंगे। अब ये दोनों फाइलें हमारी लॉक हो गई है। ये देखिए, तो फ्रेंड हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको पिक लगाकर दिखाते हैं। इसमें पिक इसमें सेट करते हैं। ये हमने देखिए 8 पिक इसमें ओपन कर ली हैं। ये वाली हम इस तरह से ड्रैग करेंगे, इसको हम सेट करेंगे। पहली पिक हम इसमें लगाते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मैजिक वॉन्ड टूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कीबोर्ड से हम W टूल प्रेस करेंगे
और यहाँ पे हम सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ वी प्रेस करेंगे, ये पिक हमारी इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसी तरह से हम अपनी सारी पिक को सेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हम सारी पिक इसमें सेलेक्ट करेंगे। मैंने फ्रेंड अपनी और भी वीडियो कोलाज की है और कुछ डिजाइन मैंने और भी बनाए हैं, मैंने कुछ सीट्स भी बनाई हैं सीटें, उसको आप देखिएगा और मुझे बताइएगा उसमें कुछ कमी हो या आपको कुछ नया सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमने चार पिक लगा दिए हैं। ये देखिए इसी तरह से हम इसमें हैंड टू हैंड सेट करते जाएंगे। लास्ट वाली पिक हम अपनी बीच में लगाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कलर इफेक्ट कैसे दिया जाता है। हमारी लास्ट वाली पिक, इसको हम यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। यहाँ से अपनी एक और हम पिक ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी सारी पिक सेट हो गई हैं। अब सिर्फ एक लास्ट वाली बची है, वो हम ये वाली लेते हैं। ये हम बीच में सेट करेंगे इस तरह से। इसको हम फैदर में सेट करेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा है हम उसको इरेजर टूल से इरेज करेंगे। ये हमने देखे इरेज कर दिया है। इरेज करते समय इसकी ओपेसिटी 300 होनी चाहिए, वरना ये हमारा ठीक से इरेज नहीं होता है। देखिए फ्रेंड, हमारा बीच में पिक लग गई है और यहाँ से हम जाकर इसको ओवरले करेंगे तो इसमें एक ऑटोमेटिक इफेक्ट क्रिएट हो गया है। बैकग्राउंड में भी हम कुछ अच्छा सा डाल देते हैं। बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल वी करके, इस तरह से पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से इसको डिलीट कर देंगे। इसकी भी हम ओपेसिटी थोड़ी कम करते हैं पहले और यहाँ से इसको ओवरले करेंगे। थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं इसकी।
बैकग्राउंड कलर भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसका। ये देखिए फ्रेंड, वैसे ये सीट हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसमें चाहे तो कुछ और भी डिजाइन हम डाल सकते हैं। इसको हम कंट्रोल यू करके वाइट करेंगे, इस तरह से यहाँ पर हम लगा देंगे इसको। इसकी भी हम थोड़ी सी ऑपेसिटी कम कर देंगे। सो फ्रेंड, हमारा 20-30 का कोलाज बनके रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।